भोपाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को जल्द 300 बेड का हॉस्पिटल मिलेगा। इसकी जिम्मेवारी पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन को मिली है। साइट के फाइनल विजिट कर जल्द काम शुरू होगा। आपको बता दें कि इस संबंध में आज डॉक्टर आरसी मिश्रा, एडीजीपी हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन ने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में ट्रामा सेंटर, नर्सेस हॉस्पिटल, 300 बेड का हॉस्पिटल एवं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में होने वाले अन्य निर्माण कार्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर उनके साथ कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर भी मौजूद रहे। एडीजीपी आरसी मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि नए पुलिस लाइन के समीप एक स्मार्ट गौशाला का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसमें पशुओं को चारा मुहैया करवाने के लिए आधुनिक मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं एवं गायों के रहने व खाने का व्यापक प्रबंध भी किया गया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा पुलिस इस गौशाला की देखरेख करेगी एवं इसके अलावा अन्य सामाजिक लोगों से भी बातचीत की जाएगी ताकि इस गौशाला को अच्छी तरह से चलाया जा सके। वहीं एडीजीपी आरसी मिश्रा द्वारा मेडिकल कॉलेज में साइट पर जाकर निरीक्षण भी किया गया। मौके पर कॉलेज के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। यहां हम आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज के सेकंड फेज का हरियाणा पुलिस कॉरपोरेशन के अंदर यह निर्माण कार्य करवाया जाएगा। देखिए समाचार एक्सप्रेस की है एक विशेष रिपोर्ट। ये कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का सेकंड फेज हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन को कंस्ट्रक्शन का वर्क अलॉट किया गया। सेकंड फेज जो है 358.87 करोड़ का है, जिसमें कि यहाँ मेन बिल्डिंग जो उसमें ट्रामा सेंटर बनना है, इसमें हाउसिंग के जो है कई कंपोनेंट हैं और तीसरा इसमें जो है हॉस्पिटल ब्लॉक है और हॉस्टल्स हैं और उसके साथ साथ पार्किंग का है, मल्टी लेवल पार्किंग का है। बाकी जो है एक्सटेंशन वर्क में छोटे छोटे और प्रोजेक्ट हैं, लेकिन मेन जो चार चीज़ें हैं जो कि हाउसिंग कॉरपोरेशन को दी गई हैं, जिसको कि हम लोग तुरंत चालू कर रहे हैं और इसीलिए इसलिए जो है पूरी तरह से यहाँ पे काम में लगे हुए, हमारी पूरी टीम यहाँ लगी हुई है और वो पूरी टीम इसको जो है यहाँ के डॉक्टर्स के साथ और जो यहाँ की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो है हम इसके नक्शे जो है बना लिए हैं। जोनिंग प्लान इसका अप्रूव होने जा रहा है और इसके बाद जो है इसके टेंडर होकर के काम चालू कर देंगे। मैं समझता हूँ कि करनाल के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। यहाँ पे कल्पना चावला मेडिकल जो ये कॉलेज बना है, यहाँ के लोगों को जो दिल्ली जाते थे, पीजीआई जाते थे चंडीगढ़, तो उस लेवल का करनाल में एक हॉस्पिटल बन जाए, उस लेवल की फैसिलिटी आपको मिल जाए, उस लेवल का लोगों को यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट हो जाए, तो ये यहाँ के लिए बहुत बड़ा वरदान। सर इसमें कितना समय लग सकता है? देखिए हमारे को टाइम जो है इसमें 2 से 3 साल के अंदर है। कोशिश हमारी है कि बिफोर टाइम जो हमको अलाट हुआ है हम उससे पहले करके दें। और दूसरी चीज़ है कि इसमें हमारा क्वालिटी एश्योरेंस है, क्वालिटी मेंटेन करना है एंड डिलीवरी फास्ट देना है, बिफोर टाइम देना है और किसी भी तरह से कहीं भी कोई जो है भी हमारा जो है इसके कंस्ट्रक्शन में या इसमें कोई और जो है फैसिलिटीज ऐड करने में डॉक्टर्स के साथ जो हमारी मीटिंग हो रही है या जो आर्किटेक्ट के साथ हो रही है, कोई भी रिक्वायरमेंट और होगी तो कोशिश हमारी है कि पूरी तरह से सेटिस्फाई करके हम इस बिल्डिंग को बना दें। सर हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन ने गौशाला बनाई है, स्मार्ट गौशाला इसे कहा जा रहा है, ऐसे क्या फीचर्स है उसके जो जिसकी वजह से स्मार्ट गौशाला कहा जा रहा है और आगे जेल में जो है करनाल जेल में गौशाला बनाई है। बेसिकली वो जेल को चलाना था लेकिन जेल से जो है अभी मेरी बात हुई नहीं, मैं अभी बात करूंगा, अभी वहां जा रहा हूं इसके बाद और देखते हैं किस तरह का प्रोविजन हो सकता है। जेल चला सकती है या कुछ जो है प्राइवेट जो है शहर के लोगों के साथ मिल करके उसको चलाया जाए। गौशाला बहुत ही आधुनिक बनी हुई है, बहुत ही अच्छे सेट डाले गए हैं, उनका जो है खाने का जो गायों को दिया जाता है, जो चारे का अरेंजमेंट है, जो मशीनें लगी हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो उनका जो है वेंटिलेशन का है, वो सब बहुत ही जो है अल्ट्रा मॉडर्न पैटर्न पे किया गया है, इसलिए उसको स्मार्ट जो है गौशाला का नाम दिया गया है। और वहाँ पे जितनी भी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है हम वो फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं और आगे कोशिश है कि गौशाला के जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं गोबर से, गोमूत्र से, वो सब जो है जो उसको चलाएगा वो उसमें उस तरह के भी जो है आगे प्रोजेक्ट कर सकते हैं
जिसमें कि जो है वो मेडिसिन जो बनती हैं उसको भी आगे बढ़ाया जा सकता है। आखिरी सवाल है करनाल और आसपास जितने भी शहर हैं उनके जो थाने चौके काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, लेकिन गाँव में रूरल में बहुत बुरे हाल हैं, चाहे आप थानों की बात कर लीजिए, चौकियों की बात कर लीजिए, क्योंकि अब आप खुद MD हैं हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के, इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था आप करेंगे? मैं अभी पूरी तरह से जो है इंश्योर करना चाहता हूँ कि जैसे शहर में बने वैसे ही गांव में और उससे बेटर हम थाने बनाएंगे, चौकियाँ बनाएंगे। प्रॉब्लम कई जगह अभी हमारी आ रही है कि गाँव में हमारे बहुत पुराने थाने चल रहे हैं, कोई रेंटेड बिल्डिंग पे है, कहीं पे हमारे पास लैंड नहीं है। हम गाँव की पंचायतों से बात करके लैंड मांग रहे हैं, जहाँ पे हमको लैंड मिल जाएगी कंस्ट्रक्शन इमीडिएटली हम चालू कर देंगे, फंड्स की कोई हमारे पास कमी नहीं। मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहेंगे पंचायतों? बिल्कुल, मीडिया के माध्यम से मैं अपील करता हूँ सभी पंचायतों से, सरपंचों से, कि आप अपने इलाके को सुरक्षित रखने के लिए आप अपने इलाके में जो है पुलिस स्टेशन के लिए या पुलिस चौकी के लिए जमीन दें। यदि आप वो जमीन देंगे तो आपकी सुरक्षा, आपके लोगों को वहाँ रहने का, आप खुद वहाँ जाएंगे, क्योंकि पुलिस स्टेशन केवल पुलिस का नहीं है, आम जनता का है, आम जनता भी जाके वहाँ बैठती है। यदि अच्छा पुलिस स्टेशन होगा, अच्छा भवन होगा, तो उनको भी खुशहाली होगी और जो वहाँ पे जवान रह रहे हैं वो भी खुशहाल होंगे। जब वो खुश होंगे तो आपको खुश करके वापस भेजेंगे। कहते हैं ना, पर्यावरण का डायरेक्ट जो है इम्पैक्ट पड़ता है। आप अच्छे पर्यावरण में हैं, वातावरण में, तो आप खुश रहेंगे तो लोगों को खुश करेंगे। यदि आप खुद दुखी हैं तो आने वाले को आप खुश नहीं कर सकते। इसलिए देखिए, अभी तो उसमें जो है हमने तकरीबन 500 के आसपास का रखा है, लेकिन उसमें घट बढ़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं, हार्ड पास नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 500 गांव के आसपास। बजट खर्च किया गया बजट का एग्जैक्ट तो देखना पड़ेगा। 2.5 करोड़ सर, ऐसे कहीं और भी जिले में बनाई जाएंगी इस तरह की गौशाला? देखिए, हम लोग ये जेल में इसलिए बनाए थे कि जेल में जो है हमारे बहुत से कैदी होते हैं, खाली रहते हैं, और वो सेवा करना चाहते हैं। यदि वो सेवा करना चाहते हैं तो वहाँ पे उनको दे दिया जाए, खाली बैठने से अच्छा है कुछ काम करेंगे, सेवा करेंगे, और उसका जो प्रोडक्ट है, दूध है, दही है, घी है, वो तो जेल में जो हम बाहर से खरीद के देते हैं वहीं उनको यूज़ करेंगे। तो ये इस सिस्टम में बनाया गया था। यदि किसी जेल की रिक्वायरमेंट है तो हमारे को बनाने में कोई परेशानी नहीं। कितने बेड का बनेगा, क्या फैसिलिटी? देखिए, ट्रामा सेंटर में 200 बेड्स का जो है बनाया जा रहा है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे ये बढ़ भी सकता है, ऐसा नहीं है, ये हार्ड पास रूल नहीं है, क्योंकि देखिए डेवलपमेंट हमेशा कंटिन्यूअस है, एक जगह फिक्स नहीं है। आ गया ना चेंज इज डायनेमिक ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए परिवर्तन हमारे सिस्टम में भी जो है परमानेंट है। आज हमारी जरूरत 200 की है, कल हो सकता है 300 की पड़े, 400 की पड़े, 500 की पड़े, जितनी ज़रूरत पड़ेगी उसको आगे बढ़ाया जाएगा। सर, करनाल के साथ जैसे यूपी का बॉर्डर भी लगता है, तो कितनी बड़ी आप सौगात समझते हैं आसपास के इलाके के लिए भी, इतना बड़ा तो PGI के लेवल पर बनाया जा रहा है? देखिए, यूपी बॉर्डर है, यूपी तो अपने इलाके में कराते हैं, लेकिन यदि कोई पेशेंट आता है तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर्स भी अपने आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास यदि सुविधा है, बेड खाली हैं, इसलिए उनका भी ट्रीटमेंट होगा, लेकिन पहली प्रायोरिटी हमारा अपने इलाके के लिए। सर, ये हरियाणा सरकार ने घोषणा किया कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, क्या सारा कॉर्पोरेशन प्रूव किया जाएगा आपके, आया कोई ऐसा? नहीं, देखिए, हरियाणा सरकार मेडिकल कॉलेज जो खोल रही है उसमें कॉर्पोरेशन को भी देंगे, बाकी डिपार्टमेंट को भी देंगे, अकेला कोई कॉर्पोरेशन नहीं कि कॉर्पोरेशन ही करेगा, हम सब मिलजुल के करेंगे। उसमें PWD डिपार्टमेंट को कोई कॉलेज मिलेगा, कोई हमारे को मिलेगा, कोई और संस्था यदि बिड पे आएगी तो उसको मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.